धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस बार धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन कुछ चीजों को खरीदना शुभ और कुछ चीजों को ना खरीदना अशुभ माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही सबसे अहम बात है कि इस खास दिन पर धनिया भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में ये जानते हैं धनतेरस में धनिया के उपाय। माना जाता है कि धनतेरस के दिन धनिया के उपाय करने से घर में बरकत आती है, मिलता है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। धनतेरस के दिन साबुत धनिया का उपाय बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसे साबुत धनिया खरीद कर लाएं और इसे माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को चढ़ाएं। इसके बाद अपने मन की मनोकामना माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को बताएं। इसके बाद इस धनिया को घर के किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दें। इसमें थोड़ी सी धनिया बचा लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर पैसे रखने वाले जगह पर रख दें। माना जाता है ऐसा करने से पूरे साल में सुख समृद्धि का वास होता है और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी भरपूर मिलता है। हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीद कर रख लें और इसे दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इनमें कुछ चीजों को घर के बगीचे में बो दें। माना जाता है कि इस दिन उगने वाली धनिया की पत्तियां घर में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। अगर घर में कलह कलेश बनी रहती है तो दीपावली के दिन थोड़ा सा धनिया घर की पूर्व दिशा की तरफ रख दें। इसके बाद वहां बैठकर हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। ऐसा करने से घर में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। घर में खुशहाली और सुख सुविधाएं बढ़ाएं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव के सामने थोड़ी सी सूखी धनिया रखें और दिवाली तक इसे वहीं रखना रहने दें। गोवर्धन पूजा के दिन इन धनिया को किस गमले में लगाएं। इससे निकलने वाले धनिया के पौधे की देखभाल करें। माना जाता है कि जैसे जैसे धनिया बढ़ता है वैसे वैसे घर में खुशहाली और सुख समृद्धि भी और सुविधाएं भी बढ़ती हैं। इस उपाय से मिलेगा अटका धन। अगर आपका कहीं धन अटका हुआ है और आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि आपका अटका हुआ धन आपको सही समय पे और जल्दी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में ये उपाय भी आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। दीपावली की शाम को एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिख दें और फिर उस पर कुछ धनिया रख दें। फिर उस कागज को बांध कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका अटका धन जल्द ही मिल जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।